दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी को देखकर भड़क उठे हार्दिक पांड्या। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के पहले दिन रोहित शर्मा की हैरतअंगेज कप्तानी को देखकर हार्दिक पांड्या भी दंग रह गए हैं। हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा को खरी खोटी सुनाते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन कर पाना मुश्किल होगा। तो आखिरकार रोहित शर्मा की कप्तानी पर हार्दिक पांड्या ने क्या बयान दिया है, ये तो हम आपको बताएंगे ही, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा में से कौन बेहतर खिलाड़ी और कप्तान है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के लंदन शहर में स्थित ऐतिहासिक ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है, जहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस दौरान भारतीय टीम के सामने 85 ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 327 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे, और इस दौरान मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को एक एक विकेट मिलता है। उमेश यादव और रविंद्र जडेजा को एक भी विकेट नहीं मिला। इस मुकाबले के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से ट्रेविस हेड ने 146 रनों की नाबाद पारी खेली, तो वहीं स्टीव स्मिथ ने भी 95 रन बनाकर नाबाद थे। दूसरी तरफ से डेविड वार्नर ने 43 और बल्लेबाज मार्नुस लाबुशा ने 26 रन बनाकर आउट हो गए। इसके अलावा उस्मान ख्वाजा अपना खाता तक नहीं खोल पाए, और ऐसे में शुरुआती 3 विकेट 76 रनों पर गिर जाने के बाद ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने 251 रनों की साझेदारी कर मुकाबले में रोमांच पैदा किया। और ऐसे में हार्दिक पांड्या ने रोहित की खराब कप्तानी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मुकाबले में रोहित शर्मा की काफी ज्यादा खराब कप्तानी देखने को मिली है। रोहित शर्मा से इस मुकाबले में बेहतर कप्तानी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उन्होंने इस मुकाबले में बिल्कुल भी बेहतर गेंदबाजी नहीं की। मुझे उम्मीद थी कि रोहित शर्मा इस मुकाबले में अपने बल्ले से भरपूर रन बनाकर जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करेंगे और अपनी कप्तानी के दम पर भारत को मजबूती प्रदान करेंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। हालांकि उनकी बल्लेबाजी अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कप्तानी की है उसको देखकर मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो फाइनल मुकाबले में जिम्मेदारी के साथ कप्तानी कर रहे हैं, क्योंकि इस मुकाबले के अंदर आपको कप्तानी करने के लिए तरोताजा रहना पड़ता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज दिखा रही थी कि आप कप्तानी गंभीरता से नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि भारतीय टीम के लिए कप्तानी करना बेहद मुश्किल है और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ तो कप्तानी काफी ज्यादा कठिन हो सकती है। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे कि मैं असंतुष्ट हूँ। भारतीय टीम को काफी ज्यादा फायदा इस मुकाबले में मिलना चाहिए था, लेकिन पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को कोई भी फायदा नहीं मिला, जो रोहित शर्मा की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। रोहित शर्मा को पहले बल्लेबाजी करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अंत में बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए गेंदबाजों को भी उन्होंने सही तरीके इस्तेमाल नहीं किया, उन्हें बेहतर तरीके से कप्तानी करनी चाहिए थी। मुझे उम्मीद है वो दूसरे दिन रणनीति के अनुसार कप्तानी कर विरोधी टीम को तकलीफ में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में रोहित शर्मा की कप्तानी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए।